नमस्कार साथियों, आज फिर मैं आपके लिए एक नई ट्रिक लेकर आया हूँ जिसमें आपकी सीरीज चल रही थी मैथ के लिए। पहले मैंने कैलकुलेशन की ट्रिक कराई, फिर आपको बोर्ड मास रूल कराया, आज मैं लेकर आया हूँ वर्ग निकालने की ट्रिक। ठीक है, इस वर्ग निकालने की ट्रिक में मैं आपको सिखाऊंगा 1 से 1000 तक के, यानी कि आपको कोई भी सिखाने वाला ये सिखाता है कि 24 में सिखा दिया, 42 में सिखा दिया, और इन पर छोटे छोटे संख्याओं पर सिखा देते हैं आपको, और फिर आपसे बड़ी संख्याओं में नहीं निकलता है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा आपको 999 तक, ठीक है, 999 तक 343, ठीक है, 650, इन सभी का कैसे निकलेगा। ठीक है, आज ट्रिक में वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, आपको ये ट्रिक बहुत काम आएगी। तो शुरुआत करते हैं हम किसी छोटी संख्याओं से, केवल दो अंकों की संख्याओं से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम उठा लेंगे अपनी, लो आपके लिए छोटी संख्या लिख देता हूँ मैं, जैसे कि हमने उठा लिया आपके लिए 12 ही उठा लिया। ठीक है, 12 का हमें निकालना है स्क्वायर, तो हम दो स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देंगे इसका दो, इस वाले का ये 1 और 2, यानी कि 12 में केवल दो अंक होते हैं, 1 और 2। ठीक है, तो यहाँ 2 के नीचे 2 का स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, 2 का स्क्वायर कर दिया, अब केवल इसको लिखना है दो अंकों में, दो अंकों में लिख दिया हमने 0, 4 लगाकर। ठीक है, और 1 का स्क्वायर यहाँ 1 कर दिया, इसको भी 0, 1 कर दिया। ठीक है, इस प्रकार से आपने कर लिया। अब जो है 1, 2 और ये स्क्वायर वाला 2, इन सबकी हमें गुणा करनी है, तो 1 × 2 और 2 × 4, पर इधर से हम एक अंक छोड़ देते हैं। ठीक है, 4 को जो लिखेंगे हम, 4 को लिखेंगे यहाँ और इस 0 के नीचे। अब इन सबको हम जोड़ देंगे, 4 का 4 आ गया, इस 4 में 0 को जोड़ेंगे तो 4, और 1 में 0 को जोड़ेंगे 1। इस 0 को लगाओ या मत लगाओ, आपका स्क्वायर निकल कर आ गया 144। ठीक है, केवल दो स्टेप फॉलो करने हैं। अब अगली देखो, मैं एक और बताता हूँ आपको, यहाँ मैं बता देता हूँ 23 का। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप आपको करना है कि इसकी जो 3 जो है, 3 का स्क्वायर लिखना है, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे हम 09। ठीक है, और 2 का स्क्वायर लिखेंगे हम 04। अब इधर से एक अंक छोड़ देंगे और इन तीनों की गुणा करके लिख देंगे, 2 × 3 = 6 × 12। ठीक है, 9 का 9 इनको मतलब जोड़ देंगे, 9 का 9, 2 और 0 = 2, 4 और 1 = 5। 23 का वर्ग आपका 529 होता है। ठीक है, आपने ये 2 स्क्वायर देख लिए। ठीक है, अब जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ उसमें लगाकर देखेंगे हम। ठीक है, मैं डस्टर लेता हूँ। अब जो हम क्वेश्चन लेकर आए हैं उसकी शुरुआत करते हैं हम 24 से, यानी कि नीचे से, छोटी संख्याओं से। ठीक है, तो जैसे कि आपका 24 है, अभी यही सीख कर जाओगे, वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैंने सबसे पहले स्टेप बताया है 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये हो गया, इधर से एक अंक छोड़ना है, 2 × 8 = 16, यानी कि यहाँ जो करनी है 2 × 4 × 2, इन सबकी गुणा करनी है आपस में, तो कितनी आ गई, 2 × 4, वो 2 × 8 = 16। ठीक है, 2 × 8 = 16, अब इन सबको जोड़ देंगे हम, 6 का 6, 6 × 1 = 7, 4 × 1 = 5, 576। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम 42 का क्या होगा, वो स्टेप फॉलो करना है आपको, यानी कि 42 का हमें स्क्वायर निकालना है, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे 04 और 4 का स्क्वायर लिख देंगे हम 16, इधर से एक अंक हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, 4 × 8 × 16, 16 यहाँ लिख देंगे और इसको जोड़ देंगे, 4, 6, 6 × 1 = 7 आ गया, देखो। ठीक है, इस प्रकार से आप बहुत ही आसान तरीके से इनका स्क्वायर जो है निकाल सकते हैं। इसके बाद 42 के बाद आ गया आपका 67, यानी कि 67 का स्क्वायर कितना होगा, तो 67 का स्क्वायर 7 × 7 = 49,
6×6=36, इधर से एक अंक छोड़ देंगे, 6×7=42, ठीक है। अब 42 दूनी कितने होते हैं, 84, 9×9 4×16=6, 4×4 8 ही आएगा यहाँ, मैं गुणा कर दिया था, सॉरी 9×9 4×4 8 आ गया, 8×6=14, हासिल लगा 1 × 3 = 4, ये आ गई देखो इसकी गुणा, ठीक है। इसको साफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। और मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कि अब मैं बड़ी संख्या लेता हूँ डायरेक्ट, जैसे कि हो गया यहाँ पर 99 का स्क्वायर क्या होगा, तो सबसे पहले 9×9=81, और इस वाले 9 का जो वर्ग करेंगे हम 9×9=81, ठीक है। ये हमने सबसे पहले हमें कोई ये करना है, इसका वर्ग लिखना है, इसका वर्ग लिखना है, 9×9=81, 9×9=81, ठीक है। अब इन तीनों की गुणा करके लिखना है, इधर से एक अंक छोड़ देंगे और इन तीनों की गुणा करके लिख देंगे, 9×9=81 दूनी कितना हो गया 162, 81×2=162 होता है ना, तो लिख लेंगे। अब इनको जोड़ के लिख देंगे नीचे, 1×1=8, 10×0 हासिल लगा 1, 6×7=8, 8×9 ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम 37 का, देख लेंगे हम 37 का भी, 7×7=49 और 3×3=9, ठीक है। इधर से एक अंक हम छोड़ देंगे और इन तीनों ही गुणा करके लिख देंगे, 3×7=21, 2×9=42। अब इन सबको हम जोड़ देंगे, 9×9 आ गया, 4×2=6 हो गए और 9×4=13 हो गए, ठीक है। ये इसका आ गया आपका आंसर। और क्या रह गया इसमें, आप रैंडमली कोई भी स्क्वायर निकालने के लिए दो अंक की कोई भी संख्या रैंडमली उठा सकते हो आराम से, उसका जो है स्क्वायर निकाल सकते हो, जैसे कि मैं निकाल लूँ 76, इसका स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले इसका करेंगे हम 6×36, 6 का वर्ग लिख दिया हमने 36, 7 का वर्ग लिख दिया हमने 49, इधर से एक अंक छोड़ देंगे, 6×7=42, 7×6=42, 42 दूनी कितने होते हैं 84, ठीक है। अब इसको ऐड करके लिख देंगे, 6×6=43, 7 और 9×8=17, हासिल लगा 1, 4×5=57, 76। इस प्रकार से हम जो है इसके स्क्वायर निकाल लेंगे, इसके जितनी भी आपकी दो अंकों की संख्याएं हैं। और अब मैं इसमें आपको होमवर्क देता हूं, जैसे कि आपको लिखना है 69 का स्क्वायर निकालना है आपको, और 75 का निकालना है, ठीक है, और आपको निकालना है 34 का और 26 का, 29 का, ये स्क्वायर आपको होमवर्क में देता हूँ मैं, इन पर आप जरूर प्रैक्टिस करना, ठीक है, एक बार करके देखना, आपको आसान ट्रिक है, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको एक बात और बता दूँ, इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक कर लें, ठीक है, जिससे कि अगली इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको समय पर पहुंच जाए। अब जो होते हैं जैसे कि 100 से आपके 999 तक के वर्ग, ठीक है, इनको मैं बताऊंगा पार्ट टू में, ठीक है, बने रहिए ऐसे ही हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको ट्रिक कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट जरूर करें।